दूसरी बिल्डिंग, दोनों ही बिल्डिंग में, और ये देखिए ये मलबा हर तरफ धूल और मलबे का धूल का गुब्बारा चुकी है। और आप शर्मा जी बताइए, आप डेमोलिशन एक्सपर्ट हैं, ये जो हुआ क्या हुआ, सही हुआ नहीं हुआ, ये गुब्बारा आप धुएं का देख सकते हैं, मिट्टी का गुब्बारा आप देख सकते हैं जो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, ये गुब्बारा और फैलेगा और आगे की तरफ मिट्टी और फैलेगी। लेकिन जो डेमोलिशन हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है, वो प्लानिंग के हिसाब से हुआ है। जिस डायरेक्शन में चाहते थे उसी डायरेक्शन में बिल्डिंग गिरी है और एकदम परफेक्टली गिरी है। और आप लोग देखिए तितर बितर होते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये धुएं का गुबार, धुएं में सब कुछ, अब एकदम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। वहाँ एक बिल्डिंग हुआ करती थी, अब ये इतिहास हो गया है। अंकित आप क्या देख पा रहे हैं, इतिहास रच दिया गया है और मेरा दिल कह रहा है सब कुछ वैसा हुआ जैसा प्लान किया गया था। जमीन पर नहीं आ पा रही है सूरज की रोशनी, अंकित तेरी आवाज आ रही है, बाहर को अस्सी हजार टन का मलबा जो है वो इस डिमोलिशन से, इस 3700 किलो विस्फोट जो हुआ है इससे पैदा हुआ। और आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में कि धूल का गुबार जो है उसने अपने आगोश में जो अगल बगल की जो दोनों सोसाइटी थी, ATS विलेज और एमरल्ड कोर्ट, इन दोनों को अपनी कैद में कर लिया है, अपनी आगोश में भर लिया है। ये जो धूल का गुबार, जो 80,000 टन मलबे का गुबार जो है वो आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने अपने अगल बगल की जो सोसाइटी है उसको अपने आगोश में कर लिया है। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं विस्फोट हुए, लेकिन अभी तक धूल का गुबार जो है वो छटा नहीं है। जो एक्सपर्ट थे वो बता रहे थे कि कम से कम 10 मिनट का वक्त जो है वो धूल को सेटल होने में लगेगा, डिस्पर्स होने में लगेगा, लेकिन जिस वक्त का इंतजार, जिस वक्त आसमान को चीरती हुई दो गगनचुंबी भ्रष्टाचार की इमारत जो है वो यहाँ पर जमींदोज हो चुकी है। और इस इमारत से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर मैं मौजूद हूँ, और जब ये ब्लास्ट हुआ तो यकीन मानिए कि मेरे पैर के नीचे की जमीन भी हिल गई, इतना ज्यादा कंपन था, इतना ज्यादा वाइब्रेशन था कि मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ मेरे पैर भी जो है वो कांपने लगे। लेकिन अब जो है आप देख सकते हैं कि चरिंदे परिंदे भी जो है वो एक तरीके से सलामी दे रहे हैं, जो सबक सिखाने की कोशिश की गई है। भ्रष्टाचारी नौकरशाह हो, नेता हो या बिल्डर हो, उनको सबक सिखाने के लिए जो ये तस्वीर अब आपके सामने, अब धीरे धीरे छटने लगा है। और ये देखिए आप, वो जो फाइबर्स का इस्तेमाल किया गया था धूल को, खुद धूल को बाहर की तरफ फोकने के लिए, अभी पहले देखिए कैसे नेस्तनाबूद हुई है भ्रष्टाचार की इमारत। इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो खड़ी की गई थी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए वो अभी वहीं पर मौजूद है। लेकिन ये पानी की बौछार करते हुए, वाटर वॉल क्रिएट करते हुए, ताकि वहाँ उनकी उस सोसाइटी में धुआं